हरे कृष्णा फ्रेंड्स, मैंने पहले से ही छोले चने अपने भिगो के रख दिए थे। कम से कम 5-6 घंटे के लिए भिगो दिए। अच्छे से भिगने के बाद मैंने 3 से 4 सीटी आने तक इसे बॉयल कर लिया है और मेरे चने गल गए हैं, छोला चने। अब मैं इसको बनाने जा रही हूँ बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाले हैं और सात्विक छोले बनेंगे विदाउट अनियन गार्लिक के। एक बार आप लोग इसमें बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है सरसों का, उसमें जीरा डालकर और मैंने 2 टमाटर का पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा उसमें अदरक डाला और उसे भून लिया। बस उसमें मैंने हल्दी और धनिया मिर्चा सब स्वाद अनुसार डाला है। आप जितना तीखा और जितना ही चटपटा चाहते हैं उस हिसाब से मिर्चा और मसाले का प्रयोग करें। तो मैंने इसमें 2 से 3 हरी मिर्च भी मैंने काट कर डाल दी है, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बस मैंने जो बॉयल छोले के चने थे वो मैंने डाल दिए हैं और बस 2 मिनट पे बनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद मैंने अपना मैजिक मसाला डाला, थोड़ी सी पीसी खटाई 1.5 चम्मच डाल दी और स्वाद अनुसार नमक डाला है। बस एक बॉयल आने पर तक रखना है और बस हमारे छोले बनके रेडी हो गए हैं। इनको आप कुलचे के साथ, भटूरे के साथ, नान के साथ, चावल के साथ जैसे खाना चाहें वैसे खाएँ। सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। ढाबा स्टाइल में फटाफट बनकर तैयार हो जाते हैं। आप ढाबा क्यों जाना, घर पे ही जब इतने स्वादिष्ट छोले बन के तैयार होते हैं तो आप ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। खाने में इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि आप एक बार बनाकर खाएंगे तो बार बार आपका बनाने का मन करेगा। तो आप लोग ट्राई ज़रूर करें।